दे आर स्टूडेंट्स असल आई एम टीचर आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर वन का क्वेश्चन नंबर टू ये हमारा है लेक्चर नंबर इलेवन लेक्चर नंबर टेन ये हमारा है लेक्चर नंबर टेन और ये चैप्टर है चैप्टर भी है चैप्टर नंबर

इस पार्ल इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो उसका परपेंडिकुलर इस परपेंडिकुलर पे एक पॉइंट डालो एक्स जो चार सेंटीमीटर इस लाइन से दूर है अब इस एक्स के जरिए थ्रू एक्स ड्रॉ लाइन एम अब इस एक्स के जरिए एक लाइन ड्रॉ करो एम जो पर्ल बनेगी एल के साथ। सबसे पहले क्या करते हैं एक लाइन ड्रॉ करते हैं उस लाइन का नाम लेंगे लाइन l, we draw a line l. अब इस लाइन पर हमें एक परपेंडिकुलर खींचना है अब स्टार्ट हो जाएगी कंस्ट्रक्शन परपेंडिकुलर खींचने के लिए वी मार्क अ पॉइंट से ए ऑन लाइन एल हमने लाइन एल पर एक पॉइंट मार्क किया उसका नाम रखा ए अब इस ए के जरिए टेक द ए एज सेंटर पॉइंट ए को एज सेंटर लेंगे और ए कन्वीनियंट रेडियस लेंगे कन्वीनियंट रेडियस मीन्स वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव और पुट द कम्प ऑन पॉइंट ए ड्रॉ एन ऑर्क किया हमने एक और एक ड्रॉ किया ये आर्क है इसका नाम रखेंगे बी सी नाउ पुट द टेक द कंपासिस एंड इट इज रेडियस मोर देन बी ए रेडियस लेना है ग्रेटर देन बी ए बी ए से ज्यादा जब हमने रेडियस लिया बी ए से ज्यादा नाउ पुट द कंपासिस फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन बी

ये बन गया एक परपेंडिक्यूला दिस इज नाउ द परपेंडिक्यूला ऑन लाइन एल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑन दिस परपेंडिक्यूला चूज ए पॉइंट एक्स आप इस परपेंडिक्यूला पे एक पॉइंट ले लो एक्स जो चार सेंटीमीटर एल लाइन से दूर होगा मतलब ऊपर चार लाइन से चार सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एल अब इसके बाद हम सेंटीमीटर रेडियस लेंगे ये लिया मैंने चार सेंटीमीटर का रेडियस पुट द कंपासिस ऑन ए एंड ड्रॉ एन आर्क चार सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क इस आर्क का नाम है एक्स यहां पर इस पॉइंट का नाम है एक्स अब थ्रू एक्स ड्रॉ ए लाइन एम पार्लल टू एल अब इस एक्स के जरिए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसका नाम है रहेगा एम जो इस लाइन एल से पार्लल होगी अब हम क्या करते हैं हम फिर से क्वेश्चन नंबर वन को रिपीट करेंगे हम कन्वीनियंट रेडियस लेंगे वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर कन्वीनियंट रेडियस ना फोर द कंपोस ऑन एक्स एंड ड्रॉ एन आर्क ये मैंने कन्वीनियंट रेडियस लिया इस कन्वीनियंट रेडियस सेंटर पॉइंट एक्स है और एक कन्वीनियंट रेडियस लिया इस कन्वीनियंट रेडियस का नाम लेंगे ई e, जो हमने आर्क कन्वीनियंट रेडियस लिया हमने ड्रॉ किया आर्क उस आर्क का नाम रखेंगे ई एफ अब इसके बाद रेडियस लेंगे मोर देन एक्स ई से ज्यादा लेंगे रेडियस पहले हमने कन्वीनियंट रेडियस लिया कन्वीनियंट रेडियस 1.5 वो रखा एक्स पर और ड्रॉ किया आर्क उस आर्क का नाम रखा हमने ई एफ अब हम कन्वीनियंट से ज्यादा लेंगे रेडियस और रखेंगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन ई

एंड प्रोड्यूस अ लाइन जो एम यहां तक हमने लाइन को खींचना है और ये बन गए हमारे दो पार्लल लाइन फिर से इसकी कंस्ट्रक्शन आपको बताते हैं सबसे पहले ड्रॉ ए लाइन एल मॉक पॉइंट ए ऑन लाइन एल नाउ इस ए पर हमें एक परपेंडिक्यूलर बनाना है टेक ए एज सेंटर पॉइंट एंड कन्वीनियंट रेडियस कन्वीनियंट रेडियस मीन्स वन पॉइंट फाइव पुट द कम्पोस ऑन ए एंड ड्रॉ एन ऑर्क ड्रॉ एंड ऑर्क बी सी इसका नाम रखा हमने बी सी नाउ टेक द रेडियस मोर देन बी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल टेक बी एज सेंटर पॉइंट एंड ड्रॉ एन ऑर्क रेडियस है ग्रेटर देन बी ए जब हमने ड्रॉ किया और उसके बाद हमने पुट द कंपॉस ऑन सी एंड ड्रॉ अनदर आर्क, द टू ऑक्स इंटरसेक्ट एट डी ज्वाइन डी ज्वाइन डी ए जब हमने डी ए को ज्वाइन किया हमने एक परपेंडिकुलर बनाया क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है परपेंडिकुलर पर अब आप एक अब इसके बाद परपेंडिकुलर पर चार सेंटीमीटर दूर एक्स पॉइंट डालो हमने सेंटर पॉइंट रखा ए और फोर सेंटीमीटर के वो का रेडियस इक्वल टू फोर सेंटीमीटर और उसके बाद ऑर्क डाल ड्रॉ एन आर्क दिस आर्क इज एक्स नाउ टेक द कंपास अब इस पर से हमें लाइन ड्रॉ करनी है उसके लिए क्या करेंगे हम रेडियस uh, uh, लेंगे वन पॉइंट फाइव Now put the compasses on X and draw an arc. Usa ar ka naam hai EF. With E as center and radius more than EX, draw an arc. With F as center and draw another arc. With the same radius, draw another arc that cuts each other at G. Now join XG. X G. G ko join kikaro or produce the line to M. नाव एम पार्ला जू एल आप इसमें देख रहे हो साथ ही साथ इसमें भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ गए एंगल बी ए एक्स बी एक्स ये वाला एंगल बी ए एक्स मीन्स दिस एंगल इज ऑल्टरनेट टू िस एंगल को दिस एंगल जी एक्स इक्वल टू जी एक्स ए दे आर ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इसमें हमने दो चीजें प्रूव की पार्ला लाइन्स एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्वेश्चन नंबर थ्री बिल्कुल इसी तरह से करना है आप उस क्वेश्चन को कीजिए हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट लेक्चर के साथ तब तक, तक के लिए अल्लाह हाफिज